नमस्ते। नीट का जो स्कैम हुआ है उससे रिलेटेड मेरे पास एक बहुत रियल एविडेंस आया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहां हमारे साथ सूरजपुर सिटी के सबसे बड़े कोचिंग एडुमेंशन के ओनर आए हुए हैं। इनके साथ 1.5 साल पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि नीट का स्कैम सिर्फ इस साल नहीं हुआ है, इस साल बस पकड़ा गया है। नीट बहुत पहले से NTA ये स्कैम अलाउ कर रही है। तो सौरभ सर हमारे सामने हैं। सर आपने जो मुझे स्टोरी बताई उस स्टोरी को एक बार दोबारा से बच्चों को भी बता दीजिए। एक्चुअली ये लगभग 1.5 साल पहले की कहानी है और एक पर्सन मेरे पास आए थे, सर थे वो, और लगभग वो मुझे बता रहे थे, वो काफी बड़े थे मेरे से और वो मुझे ये बता रहे थे कि वो 3 या 4 स्कूल के मालिक है, ओनर है, और उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके पास स्टूडेंट्स अगर हैं जो बहुत रईस हैं, मतलब जो 30-40 लाख रुपीज खर्चा कर सकें, तो मैं उनकी रैंक, वो जो रैंक बोलेंगे वो दिला सकता हूँ, जो मार्क्स बोलेंगे, जो कॉलेज बोलेंगे मैं उनको दिला सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 1 रुपये भी पहले नहीं देना है, कुछ बस रजिस्ट्रेशन चार्जेस स्टार्टिंग में देने हैं, और बाद में जब आपको वो स्कूल कॉलेज मिल जाएगा, जो आपको कॉलेज चाहिए था, जो आपको उसमें कोर्स चाहिए था, अगर आपको वो मिल जाएगा उसके बाद आपको पेमेंट करना है 25 लाख 30 लाख रुपये जो भी होगा। बट आपको मैं जो सेंटर बोलूंगा आपको वही सेंटर भरना है और आपको वही सेंटर में जा करके ही आपको वो एग्जाम देनी पड़ेगी। अब यहां पर मैं उस समय 1.5 साल पहले मैं बोला NTA इतनी बड़ी लेवल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की और उस पे पॉइंट उठाना मतलब हजारों लाखों बड़े क्वेश्चंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि मतलब अपन को मालूम है भैया आज के डेट में हर जगह करप्शन है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम और एक ऐसी एग्जाम जिसमें नीट खाली 23 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, इस साल जो 2024 में एग्जाम दिए हैं 23 लाख लोग एग्जाम दिए हैं, 23 लाख लोगों का भरोसा है नीट में, और सिर्फ नीट की बात नहीं है, JEE मेंस, JEE एडवांस, AISSE और हजारों एग्जाम NTA कंडक्ट कराता है, और उसमें अगर ऐसा कुछ चीज के ऊपर अगर डाउट भी हो जाए तो मतलब ये पूरे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और जब ये बात मेरे को उन्होंने बताई तो मैंने फुल्ली इग्नोर करी, मैं बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, NTA एग्जाम, NTA इस एग्जाम को करा रहा है, नीट एग्जाम पूरे इंडिया लेवल पर हो रही है और इसमें ऐसा आप पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैंने बोला कि झूठ बोल रहे हो आप, मैंने उनके मुंह पे बोल दिया ये बात कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने बताया भैया हर चीज का लूप होल होता है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लॉन्च कर ले, इंडिया वाले हैं कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेते हैं, तो उन्होंने भी लूप होल निकाल रखा था कि पर्टिकुलर सेंटर्स हैं जहां पर के प्रिंसिपल से लेकर के A to Z स्टाफ हमारे हैं और वहां पर कुछ विंडो होता है जो पेपर सबका जमा होता है उसके बाद, तो बोले वहां पर हमारे पास पूरा लूप होल है। मैंने फिर भी उस बात को इग्नोर करी और आज अभी जब मैं नीट का सारा चीजें देख रहा हूं कि नीट में जिस इस साल जो लग रहा है कि जिस तरीके से चीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक ही सेंटर से 6 या 7 लोगों ने 720 out of 720 लाया है, और जैसे ही मैंने ये वाली बात सुनी ना कि एक ही सेंटर से, मेरा तुरंत मेरा माइंड वापस 1.5 साल पीछे चल गया कि अरे ये सेम बात तो मेरे को किसी ने बोली थी कि हम आपको एक पर्टिकुलर सेंटर बोलेंगे, आपको उसी सेंटर में जाके एग्जाम देना है और सब कुछ हो जाएगा, आप जो कॉलेज बोलोगे आपको वो मिल जाएगा, बस पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो जो कमेटी है जो ये काम करती है वो बहुत बड़ी गुंडी आदमी है, अगर आपने कॉलेज मिलने के बाद पैसे नहीं दिए ना तो कुछ भी लेवल पे जा सकती है, वो किसी भी लेवल तक जा सकती है, माफिया, ये जो माफिया है, ये जो माफिया है वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो मतलब जो आप सोचो सर माफिया का पावर कितना है कि ये इंसान खुले में आके मेरे को यहाँ पर ये बात रूम में कैमरा लगा हुआ है और हाँ। कैमरा लगा हुआ है और मुझे ये बात बोल रहा है कि सर 10% आपको भी मिलेगा, 10% मतलब आप सोच रहे हैं 40 लाख का 10% आपको भी मिलेगा, है ना, आप बस कोई ऐसे होंगे बच्चे जो बहुत पैसे वाले होंगे और नीट उनको करना होगा तो आप मेरे को बताइएगा, तो मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब एक एजुकेशन ही तो है जहां पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है आज, है ना, और वहां पर अगर ये चीजें हो रही है तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, करोड़ों लोग ये एग्जाम दे रहे हैं, दिन रात इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और इतने सारे लोगों को इस चीज का इतना टेंशन होता है, इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं, कई लोग मैं ये भी देखता हूं भैया जो मतलब पैसे उधार मांग के बैंक से लेकर के 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए कोचिंग में दे करके लोगों की तैयारी करा रहे हैं, और उसमें अगर ये सवाल उठता है कि भैया इतना बड़ा ब्लैक होल बोल रहा हूं लूप होल अगर है उस चीज में, तो सच में बहुत ज्यादा सर आप सोच के देखिए, सूरजपुर जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं वो एक टाउन है, सिटी भी नहीं कहलाता है, छोटा टाउन है, एकदम छोटा सा। तो आप सोचो कि मुंबई दिल्ली और बड़े बड़े शहरों पे कितने कोचिंग्स को ये अप्रोच किया गया होगा और कितने बच्चे होंगे जिन्होंने पैसे दिए होंगे और मार्क्स लाए होंगे, तभी आप सोच के देखो 650 मार्क्स पे अगर आपको 25-30,000 की रैंक आ रही है, 650 मार्क्स में सर टॉप में आते थे बच्चे, टॉप 1000-2000 रैंक में,
तो आप सोच के देखो कितने सारे लोगों ने पैसा दिया होगा, कितना बड़ा ये माफिया का वो चल रहा है और ये कितने साल से चल रहा होगा। अभी तो इस लेवल पे चला गया कि आज सब कोई के जवान पे ये बात है, है ना, और जिसके लिए बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज जो हैं वो अभी इस चीज के अगेंस्ट में हैं और बातचीत कर रहे हैं। होप्स हो कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्योंकि सर छोटी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है ये। बड़ी बात इसलिए सिर्फ नीट हटाइए सर, नीट बाकी जो एग्जाम्स होते हैं, अगर यूपीएससी जैसा एग्जाम भी होता है तो हम कैसे हम सिक्योर फील करेंगे कि जिसमें सिर्फ 900,000 की सीट है, बच्चे वहाँ खाली पैसा नहीं अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, जिंदगी दे देते हैं एग्जाम, और उसमें अगर कोई अगर अपना जमीर बेच करके कुछ चंद पैसों के लिए अगर ये काम करा रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सर अगर अलग सर और एनवी सर ने इस मुद्दे को उठाया नहीं होता तो शायद कई बच्चे इस बार भी सुसाइड कर लेते, क्योंकि उनको 600 मार्क्स लाने के बावजूद भी कॉलेज नहीं मिलता। आप सोचो कि कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हो रही है इस माफिया की वजह से, और गवर्नमेंट इस पे क्या काम कर रही है मुझे नहीं पता, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर हम अपनी आवाज उठाएंगे तो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अभी मैंने अगर आपने एनवी सर की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर के अभी जो एनटीए के लिए इन्होंने वीडियो डाली है वो जरूर देखिएगा, और उन्होंने एक आपको गूगल फॉर्म भी फिल करने के लिए बोला है ताकि वो पूरा प्रॉपर पेटिशन और जो है वो दे सके कोर्ट वगैरह में, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। और जिस तरीके से सर ने कहा कि आज इस चीज को ऊपर उठाना और सब जगह शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये मैं जरूर चाहूंगा कि आज जैसे हम यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब भी कुछ ना कुछ वीडियो बना करके एनवी सर अलग सर का सपोर्ट करें और इस बात को आगे लेकर के जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल भी छोटा मुद्दा नहीं है, पूरे इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट मुद्दा होना चाहिए आज की डेट में। और सर सारे यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है, सोशल इन्फ्लुएंसर से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस बात को इतना उठाइए कि ना गवर्नमेंट हो पाए ना कोर्ट हो पाए और जल्द से जल्द इसका इलाज निकले, क्योंकि इसका अगर रिपीट एग्जाम भी कराना होगा नीट का तो भी तुरंत के तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये सेशन वेस्ट हो जाएगा, कितने लाखों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा। सर अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप कहिए, अदरवाइज मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये एनवी सर ने और अलग सर ने और भी बहुत सारे बड़े टीचर्स ने इसके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें स्टार्ट करी है, प्रोसेस स्टार्ट किया, तो उनको सपोर्ट करना हम सब भारतीय का मतलब बहुत ज्यादा वो बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस चीज के लिए, और हमें ये जरूर करना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।